गायत्री डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर के अंदर हमारा सब्जेक्ट है आसपास में पार्ट नंबर सिक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है ओमना का सफ़र। जो पार्ट नंबर सिक्स है वह क्या दिया हुआ है? ओमना का सफ़र। एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे ओमना और रिया दोनों एक ही हैं, ठीक है। फिर ओमना, आपको यहाँ पे ओमना का सफ़र यानी रिया का सफ़र, रिया के सफ़र के बारे में बात की गई है। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? ओमना और उनकी पक्की सहेली राधा। जो ओमना है उनकी जो पक्की सहेली है उनका नाम क्या है? राधा। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? राधा। बहुत ही खुश थी वे, साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। अब जो ओमना थी वह किस बात को लेकर खुशी थी? कि वह दोनों साथ में केरल जाने वाली थी। फिर हम अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने ओमना के पापा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक करवाने। अब ये जो दोनों हैं फ्रेंड्स, वो कहाँ जाने वाले थे? एक अपनी नानी के घर जाने वाली थी और एक अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने जाने वाली थी। और दोनों की टिकट बुक करवाने कौन गए? ओमना के पापा यानी रिया के पापा दोनों की टिकट बुक करवाने के लिए गए। सफ़र से दो दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई। जो सफ़र हुआ उससे पहले राधा थी वह साइकिल से गिर गई, उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाएं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया। अब जो डियर स्टूडेंट्स, ये ओमना की फ्रेंड थी, वह साइकिल से गिरने की वजह से उनके पाँव पे क्या आया? 6 हफ्तों का प्लास्टर आ गया। क्या आया? प्लास्टर आया। और वह प्लास्टर चढ़ा दिया गया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। डॉक्टर थे, उन्होंने राधा को चलने फिरने के लिए भी अब मना कर दिया था। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती जाना। अब जो राधा की मम्मी थी, उन्होंने ओमना यानी रिया से क्या कहा? तुम अपने पूरे सफ़र की बातें ये डायरी में लिखते रहना, जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी, इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। अब उन्होंने ये आइडिया दिया कि अब तुम जो घूमने जा रही हो वो बातें डायरी में लिख देना, जिससे तुम वापस आओगी तो ये तुम राधा को बता पाओगी और डायरी लिखने की वजह से तुम्हारा समय भी जल्दी कट जाएगा। दोनों सहेलियाँ को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। अब जो ओमना थी, मतलब जो रिया थी, उसने अपने बैग के अंदर एक कॉपी रख ली और उसने रास्ते की सभी बातें डायरी में लिखना चालू कर दिया। फिर ओमना की डायरी यानी रिया की डायरी, 16 मई दोपहर का समय था। 16 मई दोपहर का समय था यानी नून का टाइम था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई है। अब जब 16 मई दोपहर का समय था, ये लोग रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम ढूंढने गए, तब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। उन्होंने क्या देखा कि ये जो ट्रेन है वह भरी हुई है। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम पद से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई।
एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जो ट्रेन थी वह गांधीधाम कस से चली थी और वहाँ पे हलचल सी मच गई थी। ट्रेन के अंदर कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग उतर रहे थे कि कुछ लोग चढ़ रहे थे और बहुत सारी धक्का मुक्की वहाँ पे हो रही थी। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आए, उसने सभी की टिकटें देखी। अब ये जो भी लोग थे वह अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे और ट्रेन चलने की तैयारी में थी और थोड़ी देर बाद टिकट चेकर आए थे। वह यह देख रहा था कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली 19 और मुझे बीच वाली सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के थे। अब जो ओमना थी यानी रिया थी उनको कहाँ सीटें मिली, ऊपर वाली बीच वाली सीट मिली और उनके मम्मी अप्पा को नीचे वाली सीट मिली और उनके जो ऊपर थे उनकी जो बर्थ ऊपर वाली बर्थ पे कुछ कॉलेज के लड़के को सीटें मिली थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो टिकट चेकर है वह उनकी टिकट देख रहा है, ठीक है। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं, मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी पर थोड़ी देर बाद। अब रिया के पास में जो बच्चे बैठे थे वह उनके जितने ही लग रहे थे, लेकिन रिया ने क्या सोचा, मैं उनसे बात करूँगी लेकिन थोड़ी देर बाद करूँगी। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल दिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। अब वह डायरी लिख क्या कर रही थी, खिड़की के पास बैठकर ये सब लिख रही थी। उसके बाद अम्मा ने खाने का डिब्बा खोला था, उसमें बहुत सारी चीज़ें खाने की चीज़ें थी। ये सब देखकर हमने क्या बोलती है, मतलब रिया क्या बोल रही है कि अब मैं बाकी बातें बाद में लिखूंगी। फिर आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी, जो ट्रेन का डिब्बा था उस पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी। फिर क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है, कब, अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे, क्यों। फिर टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं, तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। फिर हमने यहाँ तक प्रश्नोत्तर देखे, तो उन प्रश्नोत्तर के जो आंसर है वह मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर 16 मई, अब यहाँ पे 16 मई की बात हो रही है। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई, मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे पूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है जब ट्रेन तेज चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। डियर स्टूडेंट, ये लोग जो नून में सब लोग खाना खा के कुछ लोग क्या हुए कर रहे थे, कुछ लोग सो गए थे, लेकिन रिया को तो नींद ही नहीं आ रही थी तो उसने खिड़की के बाहर देखा तो यहाँ पे सूखे बूरे उनको मैदान दिखाई दिए और छोटे छोटे गांव भी दिखाई दिए। और ट्रेन में खिड़की के बाहर देखने के बाद उन्हें
कैसा लग रहा था जैसे ये गांव भाग रहे हो, और ट्रेन इतनी तेज़ी से चलने की वजह से सारी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई दे रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के पार्ट की स्टोरी यहीं तक फिनिश होती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट आज यहीं तक फिनिश होता है, और आगे जो आगे की बातें हम इसी पार्ट में दूसरे वीडियो में समझेंगे। तो एक बार ये पार्ट जो है आपको खुद से पढ़ना है, और पार्ट में जो भी बातें हैं जो मैंने समझाई वो आपको अपने आप से समझने की कोशिश करनी है, और उसके अंदर जो भी प्रश्न उत्तर आते हैं वो आपको एक बार सोचने और अपनी नोटबुक में लिखने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जय गायत्री अस्तु।